नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा ओके क्रेडिट चैनल। दोस्तों आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत तमाम उन महिलाओं को फायदा पहुंचा जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन पैसा ना होने के कारण वो अपने हुनर को किसी बिजनेस में तब्दील नहीं कर पा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत तमाम उन महिलाओं को लाभ पहुंचाया, जो महिलाएं सक्षम थी सिलाई करने में, जो महिलाएं सक्षम थी अपने परिवार को पालने में, लेकिन हाँ पैसे की कमी के कारण वो अपने हुनर को एनकैश नहीं कर पा रही थी। कई सारी महिलाओं ने इसका लाभ तो उठाया ही, साथ ही कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बन गई क्योंकि उन्होंने सिलाई मशीन के ज़रिए कपड़े सिलना शुरू किए और धीरे धीरे देखते देखते उनके पास ग्राहक आने लगे और फिर उन्होंने अपना एक कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जो इस योजना के बारे में सही से नहीं जानते, जिनको शायद ये नहीं पता कि आखिरकार ये सिलाई मशीन, फ्री सिलाई मशीन योजना है क्या, जिसके ज़रिए वो इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस योजना के तहत आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और हाँ आप कैसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक महान विद्वान ने कहा है कि किसी भी देश की जो तरक्की है वो वहाँ की महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। तो अगर महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो देश खूब तरक्की करेगा। क्या है मुफ्त सिलाई मशीन योजना? अब सबसे पहले यही बता देते हैं कि आखिरकार ये मुफ्त सिलाई योजना क्या है। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। अब दोस्तों कई लोगों को लगता है कि शायद इस योजना के तहत पैसा दिया जाएगा कि सिलाई मशीन खरीदी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी तरह की रकम नहीं दी जाएगी कि आप मशीन खरीद सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि आप अपने परिवार का पेट पाल सकें और आप अपने हुनर को, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप अपने हुनर को एनकैश कर सकें, एक बिज़नेस में तब्दील कर सकें। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो गरीब या फिर जो गांव की महिलाएं होती हैं उनमें हुनर की किसी तरह की कमी नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, दिमाग से भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं और हाथ का हुनर उनमें खूब होता है। और वैसे भी हम सबको पता है कि जो हाथ का हुनर होता है ना वो आपके साथ ही रहता है, जो कला होती है आपकी वो आपके साथ ही रहती है और उस कला को निखारना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उन तमाम महिलाओं के लिए ये फ्री में सिलाई मशीन दी गई जो अपने परिवार का जीवन यापन सिलाई से कर सकें और इसके तहत कई सारी महिलाओं को इसका लाभ भी पहुंचा। आज कई सारी महिलाएं पिछड़े वर्ग की ऐसी हैं, गरीब वर्ग की ऐसी हैं जो अपने परिवार का पेट पाल रही हैं इस योजना के तहत। भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अब सभी गरीब वर्ग की महिलाएं सिलाई के व्यवसाय को शुरू करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को योजना द्वारा लाभान्वित करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं? अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके तहत फ्री सिलाई मशीन का लाभ हर महिला उठा सकती है। तो अगर उम्र की बात करें तो 20 से 40 के अंदर अगर आपकी उम्र है तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा है तो आप इसका लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, इस योजना के तहत उस वर्ग की महिलाओं को कवर किया जाता है जिनके पति की सालाना आय जो है वो 12,000 से कम है। यानी कि अगर किसी के पति की जो सालाना आय 12,000 से ऊपर है तो उनकी पत्नी को, यानी कि उस घर की महिला को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत लगने वाले मुख्य दस्तावेज कौन से हैं? अब सवाल आता है कि जब भी किसी तरह की इस तरह की कोई योजना होती है तो जाहिर तौर पर उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने प्रतिशत लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया। तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, जो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार महिलाओं का व्यक्तिगत प्रमाण निर्धारित किया जाएगा। जैसा कि इस योजना के अंतर्गत एक सीमित आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है तो आवेदन करते समय महिलाओं को अपना आयु प्रमाण पत्र भी पंजीकरण फॉर्म में संलग्न कराना अनिवार्य है।
आवेदक महिला को उसके परिवार के वार्षिक आय का ब्यौरा भी दिखाना होगा। इसलिए महिलाओं को अपना आय प्रमाण पत्र भी पंजीकरण के दौरान संलग्न कराना आवश्यक है। यदि कोई महिला विकलांग, बेसहारा या फिर विधवा है तो उसे अपने परिस्थिति से संबंधित प्रमाण पत्र भी बनवाना आवश्यक होगा। योजना में आवेदन करने के दौरान महिला को अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं इसके अतिरिक्त एक स्थायी मोबाइल नंबर भी देना आवश्यक होगा। कौन कौन से राज्य में चलाई जा रही है फ्री सिलाई मशीन योजना? वैसे तो इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन किसी भी योजना को लागू करने के लिए हमें पता है कि राज्य सरकार की भी इजाज़त ज़रूरी है। तो ऐसे में ये जो योजना है कुछ राज्यों में दी जा रही है, कुछ राज्यों में इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, कुछ राज्यों में ये अभी लागू नहीं की गई है। अब कौन से वो राज्य हैं यहाँ जहाँ पर ये योजना लागू की गई है, देखिए। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार आदि में इस योजना को शुरू किया गया है। मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लिए सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण कराना बेहद ज़रूरी है। पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले भारत सरकार द्वारा संचालित की गई इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको योजना में आवेदन करने के लिए एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। यदि वहां पर आपको आवेदन फॉर्म नहीं मिलता है तो यहां पर हमने जो लिंक दिया है यहां पर बड़ी आसानी से योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के आवेदन फॉर्म से संबंधित आवश्यक जानकारियां पूछी जाएंगी। उन सभी जानकारियों को आपको ध्यान से पढ़कर भरना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ आदि। अपने फॉर्म को भरने के बाद इसमें सभी प्रकार के दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद इसे आपको स्थानीय कार्यालय में जाकर अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपके आवेदन फॉर्म को स्थानीय कार्यालय में जमा करने के बाद इसका सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि आप इस योजना को प्राप्त करने के लिए योग्य पाए जाते हैं तो आपको योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इस योजना के आवेदन फॉर्म को केवल ऑनलाइन रूप में डाउनलोड किया जा सकता है, परंतु इसे सबमिट करने के लिए आपको स्थानीय कार्यालय ही जाना होगा। तो दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहती हैं तो वो इस तरह से कुछ कर सकती हैं। जाहिर तौर पर जिनको सिलाई आती है वो सिलाई करके अपना जीवन यापन तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ, आप दूसरे लोगों को जो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि सिलाई में जिनकी ज़्यादा रुचि है, आप उनको सिलाई सिखा भी सकती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत कई सारी महिलाओं को सशक्त बनाया है, कई सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पैसे की क्या अहमियत है। और आज के इस दौर में जहाँ पर महंगाई है और हर घर का हर व्यक्ति कमाना चाहता है, हर व्यक्ति घर के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे में इस योजना का लाभ आप ज़रूर उठाएं। तो चलिए, हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।